नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका रजनी उपाध्याय और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का ICT वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर पढ़ने के लिए एकत्रित हुए हैं क्लास सिक्स की हिंदी में आज हम पढ़ेंगे आप ही की पाठ्य पुस्तिका वसंत भाग एक का चैप्टर 4। चैप्टर 3 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, 3 पार्ट हम इस पाठ्य पुस्तिका से पढ़ चुके हैं। आप लोगों ने समझ भी लिए होंगे। अगर किसी बच्चे का कोई चैप्टर छूट भी गया है तो हम आपको बाद में इसका रिवीजन कराएंगे, तब आप देख लीजिएगा। आज हम चैप्टर 4 शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले जो हम चैप्टर 3 पार्ट पढ़ चुके हैं उनमें सबसे पहले हमने पढ़ी थी कविता, उसके बाद हमने दूसरा चैप्टर जो था उसका नाम था बचपन। वो एक संस्मरण था जो बचपन की यादों के बारे में लिखा गया था। उसके बाद हमने एक कहानी पढ़ी थी जो दो छोटे छोटे नादान दोस्तों के बारे में, दो छोटे छोटे बच्चों के बारे में थी। तो 3 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए हैं। आज का हमारा नया चैप्टर है, एक कविता है चांद से गप्पे। तो चांद से गप्पे ये जो कविता है ये शमशेर बहादुर सिंह जी द्वारा लिखी गई है। इस कविता में, छोटी सी कविता है आपकी पाठ्य पुस्तिका में, जिसमें एक छोटी सी 10-11 साल की बच्ची जो है उसके बारे में लिखा गया है कि वो चांद से गप्पे यानी कि बातें करती है, चांद से गप्पे लड़ा रही होती है, बातें कर रही होती है। क्योंकि आप भी छोटी उम्र के ही हैं अभी और आपके मन में भी जब आप चांद को देखते होंगे बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारे सवाल आपके मन में भी आते होंगे कि चंदा मामा, क्योंकि बचपन से ही हमें चंदा मामा बोलना सिखाया जाता है, तो आपको लगता होगा कि अच्छा ये कोई इंसान है, ये खाना भी खाते हैं, ये छोटे बड़े होते हैं, ये इधर से उधर कैसे जाते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल आपके मन में भी आते होंगे। तो इसी तरह यहाँ पर इस कविता में एक छोटी सी बच्ची है, उसके मन में भी बहुत सारे सवाल आते हैं चांद को देखकर, क्योंकि उसके अभी इन सवालों के जवाब किसी ने नहीं दिए हैं। तो वो चांद से ही सारी बातें करती है कि आखिर तुम घटते बढ़ते क्यों हो, क्या तुम्हें कोई बीमारी हो गई है, क्योंकि बच्चों को समझ नहीं होती किसी चीज के बारे में, अच्छे से पता नहीं होता, तो वो अपने दिमाग से सोचने लगते हैं। तो वो सोचती है कि शायद चांद को कोई बीमारी हो गई है कि जो वो घटते बढ़ते रहते हैं। तो इसी तरह की एक छोटी सी ये कविता है, इसको आज हम पढ़ेंगे। बहुत छोटी सी कविता है तो ध्यान पूर्वक सुनेंगे, बहुत प्यारी कविता है, इसको हम ध्यान पूर्वक सुनेंगे। पाठ से जुड़े हुए कुछ शब्दार्थ भी इसमें आएंगे, थोड़े बहुत उसको आप लिख सकते हैं अपनी कॉपी में, और उसके बाद हम प्रश्न उत्तर करेंगे। तो आप कॉपी, पेन, पेंसिल जो भी आपके पास है वो आप अपने साथ में लेकर बैठिए। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं आज का चैप्टर चांद से गप्पे। तो जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को, ये जो छोटी सी बच्ची है जिसके बारे में ये लिखी गई है कविता, ये 10-11 साल की एक छोटी सी बच्ची है। तो इस उम्र में क्या होता है कि हमें सारी चीजें बिल्कुल क्लियर से पता नहीं होती है, बिल्कुल कंफर्म नहीं होती है कोई भी बात। तो यहाँ पर वो अपने मन में ही बहुत सारे सवाल, बहुत सारे जवाब लेकर आई है और बहुत सारी बातें वो अपने मन में ही कर रही है चांद के बारे में, और चांद से डायरेक्ट बात करने की कोशिश कर रही है, चांद से पूछने की कोशिश कर रही है कि आखिर आप ऐसे क्यों हो। तो कविता शुरू करते हैं। गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा। तो बच्ची जो है वो चांद से बातें कर रही है, तो वो क्या कह रही है, वो कह रही है गोल है खूब मगर आप गोल तो हैं, बहुत गोल हैं, पर तिरछे नजर आते हैं जरा। आपने देखा होगा कि चांद जो है वो घटता बढ़ता रहता है, यानी कि अपने जब पूर्णमासी आती है ना, तो पूर्णमासी में
चांद पूरा गोल हो जाता है, बिल्कुल गोल हो जाता है, और उसके बाद धीरे 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 ये एक महीने के टाइम के अंदर पूर्णमासी और अमावस्या के दौरान ये होता है कि हम देखते हैं पूर्णमासी जब आती है तो पूर्ण चांद हमें दिखाई देता है, और उसके बाद चांद धीरे 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 अपने आकार को कम करने लगता है, फिर वो धीरे 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 छोटा होने लगता है, और उसके बाद अमावस्या के दिन वो पूरा गायब हो जाता है, बिल्कुल अंधेरा काला दिखाई देने लगता है। और उसके बाद फिर से जब अमावस्या आती है, अमावस्या जब आती है उसके बाद फिर से वो अपने धीरे धीरे आकार को लेने लगता है, और फिर से एक महीने बाद जब पूर्णमासी आती है तो फिर पूर्ण चांद हमें फिर से दिखाई देने लगता है। तो यहाँ पर उस समय की बात की जा रही है, जो छोटी सी बच्ची है उस समय के बारे में बात कर रही है कि गोल है खूब, मगर आप गोल तो खूब है मगर थोड़ा सा आप तिरछे नजर आते हैं, यानी कि आपकी जो गोलाई है वो कभी भी मुझे ऐसे कंप्लीट गोल, एकदम पूर्ण रूप से गोल नहीं दिखाई देती। आप पहने हुए हैं कुल आकाश, क्योंकि यहाँ पर चांद को एक चेहरे के रूप में दर्शाया गया है, तो एकदम से किसी का भी फेस एकदम गोल नहीं होता ना, एकदम राउंड फेस आपने किसी का देखा है? सिर्फ आपने जो कार्टून्स बनाए जाते हैं उनमें आपने राउंड फेस देखा होगा कि एकदम गोल फेस है, वरना आप किसी भी व्यक्ति का अगर फेस देखते हैं तो गोल होता है लेकिन एकदम से बिल्कुल गोल नहीं होता, थोड़ा सा लंबा होता है, थोड़ा सा मतलब एक शेप होती है फेस की। तो यहाँ पर चांद को भी उसके एक मुखड़े के रूप में चांद को बताया है और कहा है कि आप पहने हुए हैं कुल आकाश, और जो संपूर्ण आकाश है, पूरा जो आसमान है, उसको यहाँ पर छोटी सी बच्ची ने चांद के वस्त्र बताए हैं, चांद के कपड़े बताए हैं कि आपने संपूर्ण आकाश को पहन रखा है। तो संपूर्ण आकाश चांद के वस्त्र के रूप में बताया है, और किस तरह के वस्त्र है? तारों जड़ा। आप तिरछे नजर आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, यानी कि आप पूरे आकाश को आपने अपने आप में पहन रखा है, अपने आप में आप उससे ढके हुए हैं पूरे आकाश से, और केवल आपने अपना जो तारों जड़ा जो आकाश है उसको पहना है, सिर्फ मुंह खोले हुए अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल, आपने केवल अपना गोरा चिट्टा जो मुख है उसको खोला हुआ है, और अपने उस गोरे चिट्टे मुख को दिखाते हुए आप गोल मटोल से दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर कवि ने, शमशेर बहादुर सिंह जी ने ये कविता चांद के ऊपर लिखी है, लेकिन कैसे लिखी है कि जैसे एक बच्ची के मन में किस तरह के सवाल आ रहे हैं उस बात को यहाँ पर बताया है। ठीक है, तो बच्ची क्या कह रही है, उसको लग रहा है कि जो चांद है वो केवल एक जो उसका मुखड़ा है, बाकी जो संपूर्ण आकाश है, जो तारों से भरा हुआ संपूर्ण आकाश है, वो उस चांद के वस्त्र है, और वो पूरे शरीर को, अपने पूरे शरीर को उस चमकीले वस्त्रों से, उस तारों जड़े वस्त्रों से ढका हुआ है, और सिर्फ अपना बीच से अपना मुंह खोल रखा है जो कि एकदम गोरा चिट्टा है, बहुत सुंदर। चांद देखा है ना कितना प्यारा लगता है, जब रात को तारों से भरा हुआ आकाश होता है तो उसमें हमें पूर्ण रूप से खिला हुआ जो चांद होता है वो बहुत ही ज्यादा प्यारा लगता है, बहुत ही ज्यादा सुंदर लगता है। तो बच्ची भी यही कह रही है कि आपका जो गोरा चिट्टा गोल मटोल मुख है वो बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है उस तारों जड़े हुए वस्त्र के भीतर से। आगे की पंक्तियां हैं, अपनी पोशाक फैलाए चारों सिमत। अब यहां पर चारों सिमत से क्या अर्थ है, देखिए सिमत का अर्थ है दिशाएं, तो अपनी पोशाक फैलाए हुए चारों सिमत, आप लिख सकते हैं इस शब्द को सिमत, यानी कि दिशाएं, चारों दिशाएं
दिशाओं में आप अपनी पोशाक, पोशाक का अर्थ आप लोगों को पता ही है, वस्त्र जो हमने पहना हुआ है उसको हम पोशाक कहते हैं। तो छोटी सी बच्ची कह रही है कि आप चारों दिशाओं में अपनी पोशाक को फैला के बैठे हैं। जैसे छोटी छोटी बच्चियां होती है ना, अगर वो फ्रॉक पहन के घूमती है, उनके फ्रॉक में अगर बहुत सारे घेर होते हैं, सुंदर सुंदर अगर सितारे जड़े होते हैं, तो उनको बहुत पसंद होता है कि वो अपनी फ्रॉक को ऐसे फैला के बैठना बहुत पसंद करती है। तो जो छोटी बच्ची है वो भी अपने दिमाग में बिल्कुल वही ख्याल लेकर आती है कि मानो वो अपनी पोशाक को चारों दिशाओं में, चारों सिमत, चारों दिशाओं में फैलाकर बैठे हुए हों, बिल्कुल सिर्फ मुंह बाहर निकाला हुआ है और बाकी पूरा शरीर तारों जड़े हुए वस्त्रों से ढका हुआ है। आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे, ये अभी बच्ची को पता नहीं है। इसका कारण बच्ची को अभी पता नहीं है कि आखिर चांद तिरछा नजर क्यों आता है। तो वो कहती है कि आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, लेकिन कैसे ये मुझे नहीं पता है। खूब है गोकी, गोकी का क्या अर्थ है अब यहाँ पर, खूब है गोकी, गोकी का अर्थ है कि आप बहुत ज्यादा सुंदर हैं, बहुत ज्यादा प्यारे हैं। तो खूब है गोकी, वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही नीरा समझा है। नीरा अर्थात पूरा, हमको क्या आपने पूरा बुद्धू समझा है। अब बच्ची, क्योंकि बच्ची चांद से गप्पे कर रही है, चांद से बातें कर रही है, तो वो अपने लिहाजे में बात कर रही है, अपने तरीके से बात कर रही है। तो वो चांद से कह रही है कि आप बहुत चालाक हैं, वाह भाई वाह, आप बहुत चालाक हैं, आपने तो हमें निरा यानी कि बिल्कुल पूरी तरह से हमें बुद्धू समझा हुआ है कि आपने जैसे पूरे शरीर को ढक रखा है तारों जड़े हुए आकाश से, और वहां से अपना सिर्फ गोरा चिट्टा गोल मटोल मुंह निकाले आप बाहर देखते रहते हैं और हमको बुद्धू ही है निरा समझा है, बुद्धू ही निरा समझा है। हम समझते नहीं कि जैसे आपको बीमारी है। तो क्या कहती है जो छोटी सी बच्ची है, देखिए आपने पूरा शरीर क्यों ढका हुआ है और आप रोज रोज केवल अपना ये मुंह दिखा के ही, और वो मुख जो कि थोड़ा सा टेढ़ा है, ऐसा मुंह दिखा के आप रोज रोज बैठे रहते हैं आकाश में, आसमान में। तो क्या मुझे पता नहीं है कि आपको कोई बीमारी है, क्योंकि बच्चे तो बच्ची है और अपने ही ख्यालों में वो बातें कर रही है, अपने ही मन में जो उसके आ रहा है वो बोले जा रही है। तो वो कहती है कि आप जब बहुत ज्यादा लगता है, जब मैं आसमान की यात्रा करता हूँ एक स्थान से दूसरे स्थान पर, अगर आपने नहीं भी पढ़ी होगी तो आगे आपकी पाठ्य पुस्तिका में ये चैप्टर आने वाला है। बहुत ही ज्यादा प्यारा है, बहुत ही ज्यादा आपको बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग ये कविता लगेगी। तो इसी तरह आपने चांद के बारे में और भी कविताएं पढ़ी होंगी, और भी कहानियां पढ़ी होंगी कि चांद और सूरज जो होते हैं वो भाई भाई होते हैं, क्योंकि चंद्रमा पे इसलिए दाग होता है क्योंकि वो उसने अपनी बहन को लात मारी थी, है ना। हमारे मम्मी पापा हमें नई नई कहानियां सुनाते हैं इस बारे में, प्रकृति के बारे में इस तरह की चीजें बताकर हमें बताते हैं कि हाँ ये चांद है, ये सूरज है, ये दोनों भाई भाई हैं। तो ये सारी चीजें हमें शुरुआत में प्रकृति का ज्ञान देने के लिए होती है। तो पाठ हमारा जो है वो यहीं पे कंप्लीट होता है। अब पाठ से जुड़े हुए कुछ प्रश्न है, थोड़े बहुत प्रश्न है इस पाठ में, और क्योंकि पाठ बहुत छोटा है तो शायद प्रश्नोत्तर भी आप लोगों को बहुत जल्दी से समझ में आ जाएंगे। तो फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं प्रश्नोत्तर को। अगर आपके पास कॉपी है तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो ये आपका होमवर्क होगा कि एक बार मैं आपको सारे प्रश्न जो है वो यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगी और फिर आप इसके आंसर आप लिखोगे। देखिए कविता से पहला प्रश्न है कि आप पहने हुए हैं कुल आकाश। यहाँ पर आपकी कविता में एक लाइन आई थी कि आप पहने हुए हैं कुल आकाश के माध्यम से लड़की कहना चाहती है कि क। पहला प्रश्न है कि चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है, और दूसरा
चांद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है। तो आप किसे सही मानते हैं? दो पंक्तियां दी हैं, आप दोनों में से किसे सही मानते हैं कि यहाँ पर लड़की ने कहा है कि आप पहने हुए हैं कुल आकाश। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि दो लाइनें दी हैं कि चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है और दूसरा चांद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है। तो देखिए दोनों ही पंक्तियां यहाँ पर बिल्कुल सही हो सकती हैं। पहला तो लड़की का कहने का अर्थ है कि चांद तारों से जड़ी हुई कोई प्यारी सी प्यारा सा वस्त्र ओढ़कर बैठा है, प्यारा सा प्यारी सी चादर ओढ़कर बैठा है। और दूसरा जो बिल्कुल सही पंक्ति दी गई है कि चांद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है, अर्थात लड़की जो है वो ये बताना चाहती है। देखिए प्रश्न ये आपके लिए है कि आप क्या मानते हैं, ठीक है? ये प्रश्न आपके लिए है कि आप क्या मानते हैं। तो आपको जो सही लगता है आप भी अपना इसमें कमेंट कर सकते हैं, आप भी बता सकते हैं आंसर। लेकिन लड़की को ये बताना चाहती है कि जो संपूर्ण आकाश है, क्योंकि आकाश में चारों तरफ जो है तारे बिखरे हुए हैं, तारे फैले हुए हैं, तो उसको लगता है कि जो ये पोशाक है, जो ये कपड़े हैं जो चांद ने पहने हैं, वो चारों दिशाओं में फैले हुए हैं और इस तरह का सुंदर प्यारा वस्त्र पहनकर चांद बैठा हुआ है जिस पर सितारे जड़े हैं और उसने चारों दिशाओं को ढक रखा है, ठीक है? तो आप भी अपने इसमें अपना आंसर इसमें लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, कवि ने चांद से गप्पे किस दिन लगाई होंगी, इस कविता में आई बातों की मदद से अनुमान लगाओ और उसका कारण भी बताओ। देखिए कवि ने चांद से गप्पे किस दिन लगाई होंगी, इस कविता में आई बातों की मदद से आप अनुमान लगाओ। आखिर कवि ने कब चांद से ये बातें की होंगी? देखिए यहाँ पर दिन भी दिया है, अगर पूर्णमासी के दिन की होगी बात तो उसके बारे में बताना है, अगर अष्टमी से पूर्णमासी के बीच की होगी या प्रथमा से अष्टमी के बीच की होगी, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर बतानी है। देखिए क्या होता है, मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि पूर्णमासी के दिन क्या होता है, चांद जो होता है वो एकदम पूरा होता है। कैसा होता है? चांद एकदम पूरा होता है, ठीक है? अष्टमी और पूर्णमासी के बीच कैसा होता है, अष्टमी और पूर्णमासी के बीच तिरछा नजर आता है, चांद थोड़ा सा कैसा लगता है, तिरछा नजर आता है, ठीक है? चांद हमें तिरछा नजर आता है। और प्रथमा से अष्टमी के बीच में क्या होता है, प्रथमा से अष्टमी के बीच में चांद बहुत ज्यादा पतला नजर आता है, ठीक है? तो अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो कवि हैं उन्होंने उन्होंने कब बातें की होंगी चांद से, ठीक है? अब यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है, इसमें बहुत सारी बातें लिखी गई हैं कि नई कविता में तुक या छंद के बदले बिंब का प्रयोग अधिक होता है, बिंब वह तस्वीर होती है। ये देखिए समझने की बात है, ध्यान से सुनिए कि जो नई कविताएं होती है उसमें तुक या छंद के बदले बिंब का प्रयोग होता है, बिंब वह तस्वीर होती है जो शब्दों को पढ़ते समय हमारे मन में उभरती है। कई बार कुछ कवि शब्दों को की ध्वनि की मदद से ऐसी तस्वीर बनाते हैं कि कुछ, और कुछ कवि अक्षरों या शब्दों को इस तरह छापने पर बल देते हैं कि उनसे कोई तस्वीर या चित्र हमारे मन में बने। इस कविता के अंतिम हिस्से में चांद को एकदम गोल बताने के लिए कवि ने बिल्कुल शब्द का प्रयोग किया है, ठीक है? तो बिल्कुल शब्द के अक्षरों को अलग अलग करके लिखा है। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरह से लिखा गया है शब्द को।
तो तुम इस कविता के किन और शब्दों को चित्र की आकृति देना चाहोगे? कुछ और शब्द भी आपको इस कविता में दिखाई देंगे जिनको आप चित्र की आकृति देना चाहेंगे। क्यों देना चाहेंगे आप इसमें कुछ और शब्दों को चित्र की आकृति? क्योंकि देखिए, बिल्कुल गोल एक शब्द आया है कि बिल्कुल गोल। अब आप अपने दिमाग में सोच सकते हैं कि हाँ, उस दिन चांद बिल्कुल गोल होगा। तो आप एक बार कविता को स्वयं से पढ़िए और देखिए कि कुछ ऐसे शब्द और भी आपकी कविता में आए होंगे जो हमें, जो आपके मन में किसी तस्वीर को ला रहे हैं। यहाँ पर बिल्कुल अगर हम बोल रहे हैं तो हमें लग रहा है हाँ, चांद पूर्ण रूप से गोल है, एकदम से हमारे मन में हमें आ जा रही है चांद की तस्वीर कि हाँ, चांद आज बिल्कुल गोल है। तो आप और भी इस तरह के शब्द इस पाठ में आए होंगे जो आपके मन में एकदम से कोई तस्वीर बना रहे हैं, तो आप उनको लिख सकते हैं अपनी कॉपी में। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, अनुमान और कल्पना। ठीक है, कुछ लोग बड़ी जल्दी चिढ़ जाते हैं। ठीक है, यदि चांद का स्वभाव भी आसानी से चिढ़ जाने का होता तो सबसे ज्यादा वो किन बातों से चिढ़ेगा और चिढ़कर उन बातों का क्या जवाब देगा? जैसे कि बच्ची ने यहाँ पर बात की है कि तुम हमें बुद्धू समझते हो, है ना। एक बात क्या की है कि तुम हमें बुद्धू समझते हो, तुमने हमें नीरा बेवकूफ समझा है, यानी कि नीरा बिल्कुल पूरी तरीके से बुद्धू समझा है। तो यहाँ पर इस तरह की कुछ बातें बच्ची चांद से कह रही है। तो अगर चांद का स्वभाव, देखिए होता है ना, कोई कोई बच्चे आपकी क्लास में भी होंगे, मैं सबको ऐसे बोलना नहीं चाह रही हूँ, लेकिन होता है, सबका स्वभाव अलग अलग होता है। एक क्लास अगर 50 बच्चों की अगर क्लास है तो उसमें क्या होता है, कोई बच्चा बहुत सॉफ्ट दिल का होता है, बहुत कोमल हृदय का होता है, कोई ऐसा होता है जो थोड़ा सा चिड़चिड़ा रहता है, कोई लड़ाकू भी होता है, कोई बहुत अच्छा होता है, कोई टिफिन भी शेयर करता है आपके साथ, कोई आपका बहुत अच्छा दोस्त भी होगा, कोई आपसे लड़ाई भी बहुत ज्यादा करता होगा, है ना। तो एक बहुत, अगर 50 बच्चों की एक क्लास है तो उसमें बहुत सारे बच्चे अलग अलग स्वभाव के होते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कुछ लोगों का स्वभाव होता है कि वो जल्दी से किसी बात पे नाराज हो जाते हैं, चिढ़ जाते हैं। अगर आप उनको कोई अच्छी बात भी कह रहे हैं तो वो समझने की कोशिश नहीं करते और फटाक से जवाब दे देते हैं आपकी बात का, और गलत तरीके से जवाब देना पसंद करते हैं। तो अगर यहाँ पे चांद के लिए पूछा है कि बच्ची जैसे जैसे चांद को बोल रही है कि आप हमें बुद्धू समझते हो या आपको कोई बीमारी हो गई है, तो अगर चांद जवाब देता, चांद बच्ची की बात का जवाब देता, तो कैसे बच्ची की बात का जवाब देगा वो? तो आप अपनी कल्पना की ओर से चांद के दिए गए जवाबों को लिखिए। तो आप पाठ पढ़िए, फिर आप बच्ची की बातों को संस्मरण कीजिए, याद कीजिए कि बच्ची ने क्या कहा है, फिर आप चांद बनकर जवाब दीजिए। बहुत देखिए, जब आप पाठ को इस तरीके से पढ़ लेते हैं ना, पाठ से जुड़ी हुई हर एक चीज पढ़ते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पाठ में आता है और बहुत इजी आपके लिए चैप्टर हो जाता है। आप परीक्षा में अगर आप एक बार अच्छे से पूरा चैप्टर पढ़ लें तो आपको कभी भी दोबारा रटने की जरूरत नहीं पड़ती, बस एक बार रिवाइज करके आप बहुत अच्छे से परीक्षा में सारे प्रश्न लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है यहाँ पर, यदि कोई सूरज से गप्पे लड़ाए तो क्या लिखेगा? अब यहाँ पर सूरज के बारे में बात हो रही है कि अगर सूरज से कोई गप्पे लड़ाएगा तो वो क्या लिखेगा। यहाँ चांद से तो हर कोई बातें करता है, लेकिन अगर सूरज के बारे में कोई बात करे तो वो क्या लिखेगा? अपनी कल्पना से गद्य या पद में लिखो। आप कल्पना करो, गद्य और पद आपको पता है दो विधाएं होती है लेखन की। ठीक है, गद्य यानी कि जब हम कहानी विधा में कोई चीज लिखते हैं, कहानी के रूप में कोई चीज लिखते हैं, उसको हम गद्य विधा कहते हैं। और पद्य विधा क्या होती है? जब हम कविता के रूप में किसी चीज को लिखते हैं। तो यहाँ पर पाठ में आपको ये प्रश्न दिया गया है कि अगर आप यहाँ पे चांद से बात की गई है, अगर आप सूरज से बात करते हैं तो आप उसको मतलब सूरज के बारे में आप क्या लिखेंगे, क्या गप्पे लड़ाएंगे, आप कैसे गप्पे लड़ाएंगे? तो अगर आपको गद्य विधा में लिखना है, यानी कि कहानी के रूप में लिखना है, आप उस तरह से लिख सकते हैं। अगर आपको काव्य विधा में लिखना है, यानी कि कविता के रूप में लिखना है, तो आप उसको वैसे लिख सकते हैं। और यहाँ पर निम्नलिखित में से किसी एक या दो से करके लिखो। यहाँ पे इसी तरह
कुछ और चीजें भी है, अगर आप पेड़ से बातें करते हैं, अगर आप बिजली के खंभे से बातें करते हैं, अगर आप सड़क से बातें करते हैं या पेट्रोल पंप से बातें करते हैं, तो आप किस तरह से बातें करेंगे, क्या आप लिखेंगे, ये देखिए इससे क्या होता है, ये चीजें आपको इसीलिए लिखने को दी रहती है, बोलने के लिए आपको, पढ़ने के लिए यहाँ पर दी रहती है, ताकि आपकी जो कल्पना शक्ति है, देखिए यहाँ पर लिखा भी है अनुमान और कल्पना, कि आप किसी विषय पर कितना सोच सकते हैं, कितनी आपकी कितना आप समझे हैं, कितना आप और अधिक सोच सकते हैं, तो ये सारी चीजें आपको यही समझाने के लिए यहाँ पर आपके पाठ में दी गई है। तो आपको ये भी सूरज के अलावा आपको बाकी यहाँ पर चार टॉपिक और दिए गए हैं, आपको आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, आप अपनी लेखन कला को सुधार सकते हैं और चारों में से किसी एक के बारे में या दो के बारे में आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब रही भाषा की बात, छोटा सा यहाँ पर पाठ का जो भाग है वो शेष है कि भाषा की बात, चांद संज्ञा है, चांदनी रात में चांदनी विशेषण है, ठीक है, चांदनी जो रात यहाँ पर बात की गई है उसमें चांदनी विशेषण है, नीचे दिए गए विशेषणों को ध्यान से देखो और उसमें बताओ कि कौन कौन सा प्रत्यय जुड़ने पर विशेषण बन रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप कुछ शब्द दिए गए हैं, उनको आप देखेंगे तो आप उसमें से बताएंगे कि कौन कौन से, कौन कौन सा शब्द जुड़ने पर विशेषण बन रहे हैं। देखिए बहुत प्यारे से शब्द यहाँ पे दिए हैं, गुलाबी पगड़ी, ठंडी रात, मखमली घास, जंगली फूल, कीमती गहने, कश्मीरी भाषा, तो ये सारी जो चीजें हैं ये इनमें से आपको विशेषण छांटना है, ठीक है। तो ये तो बहुत इजी है, अगर आपको संज्ञा सर्वनाम विशेषण की थोड़ा सा भी नॉलेज है, थोड़ा सा भी आपने कभी पढ़ा है, तो ये आपके लिए इजी है, वरना मैं आपको व्याकरण के सेशन में ये सारी चीजें पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। तो आपको इतनी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अगर आपको आता है तो करिए, अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं। तो बच्चों आज का जो ये आपका चैप्टर है चांद से थोड़ी सी गप्पे, ये कंप्लीट हो गया है, पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर भी हमने कर लिए हैं। आशा करती हूँ कि आपको पाठ अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा, कुछ होमवर्क भी मैंने आप लोगों को दिया है, करने की कोशिश कीजिए, और फिर व्याकरण से संबंधित कुछ भाग इसमें आया है, तो व्याकरण का सेशन जब हम स्टार्ट करेंगे उसमें हम संज्ञा सर्वनाम विशेषण या और भी चीजें जो व्याकरण में आती है वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है, मिलेंगे नए सेशन में नए पाठ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।